यहाँ पे क्या चीज का समस्या था? समस्या ये था कि ये जो पानी था, इसका पानी नाली का पानी, वो पर्सनली हमारे चक में जाता था। उस चक के भागीदार 3 आदमी हैं। तो जब गांव सभा से अलाट हुई नाली, तो हम लोग सोचे कि भाई चक जो है खेत बच जाए और नाली जो है जो मेन लाइन बनी हुई है वहाँ के लिए, नदी के लिए, उसमें जोड़ दिया जाए ताकि हम लोग को अच्छा रहेगा, राहत भी मिलेगी और पटरी वटरी सब बन जाएगा। ये पानी का निकासी कहाँ हो रहा था? पहले हमारे चक में हो रहा था, पानी चक में जा रहा था, हाँ, नाली का। यहाँ से नाली काफ़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है कि वो हमारे फसल नहीं मिली, एक भी ना, लहसुन सब लोग हम लोग उसमें पैदा करते थे, गेहूं अगर कुछ का पानी जो है मतलब खेत में जाता है। हाँ, पहले नाली, ये लोग नाली पहले थी, पुरानी नाली थी वहाँ, और उसको पानी रिटर्न कर दिया गया है। उसको बहुत सुजज्जित ढंग से नाली बन रही है, कोई विवाद नहीं। समस्या पहले थी, प्रधान जी इस पर किए थे, समस्या बहुत ज़्यादा दिन से थी। अब नाली बन जाने से अब कैसा? बहुत अच्छा, पूरे गांव का पानी, पूरा घर घर का पानी जो है कि जाके नदी में मिलेगा, किसी के जमीन में नहीं गिरेगा। इससे जो अब तो हमन की चक में, हमन खेत में जाते हैं, फसल खराब हो जाता है। हाँ, खराब हो जाता है, खेती हो ना पावत रहा। पहले होता रहा था, जब पानी निकलने का साधन ना रहा तो चक में पानी गिरत रहा। अब ई भल की नारी बन जाए तो नाली से पानी नदी में गिर जाए, सबके सुविधा हो जाए, वही खातिर के नाली बने लगा। तो कितना दिन से समस्या रहा तुम लोग? अरे बहुत दिन से रहा, अब ये सुविधा खातिर एगो काबू। कहाँ का रहने वाले? इटौरा डोरीपुर। इटौरा डोरीपुर का ही रहने वाले? हाँ हाँ। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या समस्या? समस्या ये साफ पानी कर रही है, ये 10 साल से। 10 साल से? हाँ। पानी कहाँ जाता था? ये पानी उसी खेत में जा रहा है, पासा। पानी खेत हाँ। में जाता था। हाँ, खेत खराब है तो ये 10 साल से बोआ नहीं रहा है। ये पानी जो है रोड पे भी आता था? हाँ। आने जाने के लिए लोग दिक्कत? बहुत दिक्कत रह लिया साहब, दिक्कत थी ना। हाँ हाँ। अब नाली जो बन जाने से अब हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, नाली बन जाएगी, कंजास उसमें से निकल जाएगा, सफाई बढ़ जाएगी। 50 वर्ष के बाद जो है इस ग्राम सभा में जो विकास कार्य हो रहा है, हाँ, इनके प्रधान जी के हाथ है, गोविंद की। एक पहले बहुत प्रधान रहना बनल ना साहब, कोई विकास ना, ना कोई ना, सब झुंटा चुराए वाला रहना। अब जो है ना कि बन गया, संक्षेप में परिचय दीजिए। बन्ने खां जिला सचिव समाजवाद दीपाल टिम्बाऊ। इस समय कहाँ मौजूद है? मैं अपने गांव ग्राम सभा मल्हाटोली में मौजूद हूं। यानी गांव जो है इटौरा डोरी, इटौरा डोरीपुर ग्राम सभा। यहां पे देखा जाए, एक मिनट कर लिया, इस ग्राम सभा में काफ़ी जो है नाली और रोड के लेके समस्या था। बहुत समस्या थी इसमें, जो है मेन रोड जो आता है, रोड से लिंक जो है, इसमें बहुत समस्या थी नाली की। आज तक जो है कोई भी नहीं आ पाता था किसी गाँव में जाने के लिए, बहुत यहाँ गड्ढा रहता था, पानी रहता था। विजय प्रताप यादव प्रधान जी थे तो वो समस्या को हल किए, और गोविंद जी प्रधान जब से भए हैं तब से जो छोटे छोटे नाला नदावा के लिए बहुत ख्याल रख रहे हैं। और गांव की बहुत बड़ी समस्या यही थी, इस गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या हम देख रहे हैं कि इन लोगों के कार्यकाल में ख़त्म हो जाएगी। विवाद होता था, रोज थाना पुलिस होता था, नाली बन जाने से जो है लिंक में अपने नदी में चला जाएगा, सबका विकास पुरुष रहेगा, और समस्या को जानेगा कि हाँ इस समस्या को जो है यहाँ करना है तो विकास लाजिम हो जाएगा। आज जब ऐसे लोग बन जाएंगे बेगत विकास वाले, तो समस्या वो देखते रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन गोविंद प्रधान के कार्यकाल में जो है अच्छा काम हो रहा है, सब विकास बढ़िया हो रहा है, नाली नर्दावा जितना है सब बढ़िया से बन रहा है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हो रही है होंगे। इन्हीं लोगों को रोज 24 घंटा आना जाना है, रातों दिन आना जाना है, तो इन लोगों को कार्य योजना में कंधा मिला के मगर देखा जाए ना कहीं कहीं विरोध, मगर कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफ़ी खुशी नज़र आ रही है नालियाँ बन जाने। इस संबंध में आप क्या कहें? इस संबंध में मैं गांव से अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग घर बना के रखें और गांव के विकास में सहयोग करें। मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में कुछ हमको धन आवंटित हुआ विकास करने के लिए, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करूँगा और अपने गांव में इंटरलॉक की नाली बन जाए और